हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरोमा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिटूनिया के प्लांट हैं, इनसे रिलेटेड हैं। इनको आज हम रिपोर्ट भी करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे इनकी केयर करें, जिससे कि हमें पूरे सीज़न भर इनकी फ्लावरिंग मिलती रहे। ये एक रेड कलर का है और ये वाला जो है ये पर्पल कलर का है। फ्रेंड्स, ये जो है, पहले मैं इनके प्राइस बता देता हूँ आपको। ये दोनों प्लांट जो है वो 15 रुपये ईच के हिसाब से मुझे मिले थे, यानी कि दोनों प्लांट जो है वो 30 रुपीज़ के मुझे मिले थे। और ये काफ़ी पहले आ गए थे नर्सरी में, तो मैंने परचेस करके ले आया। ग्रोथ भी इनके जिस हिसाब से, इनका पॉली बैग है छोटा सा, उसमें इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ये वाला प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो चुका है पॉली बैग में। ये कुछ रूट्स जो हैं इनके बाहर निकल आए थे, तो मैंने आज इनको सोचा कि मैं इनको रिपोर्ट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये 4-5 दिन में पहले लेकर के आया था, फिर मैंने इन्हें अपने घर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होने दिया और अब मैं इनको रिपोर्ट करने जा रहा हूं। आप भी जब कोई नर्सरी से प्लांट लेकर के आए तो उनको तुरंत ही रिपोर्ट ना करें, 2-4 दिन या 5 दिन, जैसे भी क्लाइमेट हो। अगर क्लाइमेट ज़्यादा गर्म है तो बहुत जल्दी ना करें आप उनको रिपोर्ट करने में, उनको कम से कम 1 वीक का टाइम तो ज़रूर दें आप। मेरे को 5 दिन हो गए हैं इनको लाए हुए, तो मैं अब इनको रिपोर्ट करता हूँ। ये जो प्लांट हैं पिटूनिया के, ये कंटेनर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। कंटेनर या हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये एक पॉट जो है मैंने थोड़ा भरा हुआ लिया है, जो पहले से फिल था, और ये बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तो जिससे कि वीडियो की लंबी लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से फिल करके रखा हुआ था। पहले हम इस वाले पॉट को लेते हैं, इसमें ड्रेनेज होल है, आप देख सकते हो। इसको आप एक ये इस तरीके के किसी पत्थर से आप इसको ढक दीजिएगा और अब हम इसमें अपना जो सॉइल है, पॉटिंग सॉइल, वो रखते हैं। मैंने फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ सॉइल में एडिशन नहीं किया है, गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है और मस्टर्ड केक, जिसे कि सरसों की खली भी कहते हैं, वो ऐड किया हुआ है। पॉट को हम फ्रेंड्स सादा ही फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट हैं पिटूनिया के, इनको सनलाइट की ज़्यादा, मिनिमम 6 आवर्स की सनलाइट अगर इनको मिलती है तो ये अच्छी तरीके से पूरे सीज़न भर आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। आप इन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पर ये इनके, इस जगह पर ही इनके सीड्स बनने शुरू होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे सीड्स होते हैं। पिछली सीज़न के कुछ सीड्स मेरे पास रखे हुए हैं, जो कि पिंक कलर के फ्लावर के थे, इसलिए मैं इस बार पिंक कलर का परचेस करके नहीं लाया हूँ। मेरा प्लांट इसमें आसानी से आ जाएगा। सॉइल को हम थोड़ा सा दबा देते हैं। आप जब इनको सीड से ग्रो कर रहे हो, मार्केट में भी मिल जाते हैं आपको इनके सीड्स, या फिर जो आपके पास, जिस तरीके के अभी मेरे पास ये प्लांट हैं, तो मैं इन्हीं से सीड इकट्ठे कर लूँगा। तो अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं और आप सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसमें जब तक 3-4 लीफ ना निकल आएँ, तब तक आप उन्हें सनलाइट में मत रखिएगा, शेडी एरिया में रखिएगा। वार्म टेम्परेचर रहे तो बहुत अच्छा है वहाँ का, जहाँ पे भी आप उसको रख रहे हैं, जो कि सीड्स के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा।
और फ्रेंड्स ये प्लांट्स जो हैं हैवी फीडर होते हैं, क्योंकि इनको फ्लावरिंग करनी रहती है पूरे सीज़न भर। तो आप इनके फर्टिलाइज़र का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, 15 to 20 days बाद आप इन्हें फर्टिलाइज़ करते रहें। इन्हें फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अगर आप देते रहते हैं तो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। इनको लेस ह्यूमिड टेम्परेचर या मॉइस्चर ज़्यादा, जो एटमॉस्फेयर में कम रहता है, वो इनको ज़्यादा पसंद आता है इन प्लांट्स को। हमारा ये पॉट फिल हो गया है, अब साइड से हम इसको दबा देते हैं जिससे कि जितने भी एयर पॉकेट हैं वो ख़त्म हो जाएं। अभी हम ये दूसरा वाला प्लांट भी शिफ्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारे दोनों पॉट रेडी हो गए हैं, अब हम इनमें वाटरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इसके सीड्स जो हैं इस तरीके के, जब ये फ्लावरिंग हो जाएगी तो इस तरीके की बर्ड मिलेगी आपको, और उसके अंदर ये छोटे छोटे सीड्स आपको मिलेंगे। ये इस तरीके के जो छोटे छोटे से आप दाने देख रहे हो, ये मेरे हाथ पे लगे हुए हैं, ये इसके सीड्स होते हैं, तो आप इन्हें भी कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपकी कोई कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।